ये महर्षि पतंजलि की तपोस्थली है, महर्षि पतंजलि जी की कर्म स्थली रही है। महर्षि पतंजलि जी ने यहाँ पे रहकर योग सूत्र की रचना की है, महाभाष्य ग्रंथ की रचना की है। तो ये मेन महर्षि पतंजलि की तपोस्थली है। यहाँ पे काल सर्प दोष की शांति का पूजन का विशेष महत्व है, इसलिए दर्शनार्थी लोग यहाँ दर्शन पूजन करते हैं और काल सर्प दोष की शांति कराते हैं। नाग पंचमी यहाँ के लिए विशेष पर्व है और श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का नाम दिया जाता है। तो नाग पंचमी को यहाँ विशेष पूजन का आयोजन होता है। यहाँ पे शास्त्रार्थ की परंपरा नाग पंचमी को रही है, किंतु इधर बीच कोरोना काल की वजह से उसे स्थगित कर दी गई है। और अभी जो आज का न्यूज है कि वो लाइव चलाया जा रहा है। नहीं, अब अखाड़े की परंपरा यहाँ पे अब नहीं रही, समय अनुसार वो चेंज हो गया, लेकिन कई अखाड़े एक साथ मिल करके उस कार्य को आयोजन कर रहे हैं। नाग नागिन ले लीजिए, दूध माला ले लीजिए।